Yeah, in fact, वो लोग आ गए. I'll call you back. कितनी देर से वेट कर रहा हूँ. हाँ, वो बैग्स भी ले आओ. इतना ख्याल रखते हैं दामाद जी ससुराल वालों का. क्या कर रहे अर्णव बबुआ ये सब. एक मिनट बुआ जी, इसे उस रूम में ले जाओ. सुनिए खुशी, देखो मैं बस एक एसी लगवा रहा हूँ, इसमें इतना बड़ा इशू. आई मीन जब मैं चला जाऊंगा तो सबके काम आएगा. सर एसी कहाँ लगाना है? ये उस वॉल पे फिट कर दो. सर पुराना घर है, दीवार स्प्लिट एसी का वजन ले पाएगी? जितना बोल रहा हूं. नहीं नहीं, दीवार पुख्ता है, इतना वजन ले लेगी. सुनो, घर भले ही पुराना हो लेकिन हमारी तरह मजबूत है, समझो? बबुआ कूलर तो आ ही रहा है ना. चीची, ठीक है ना, वो का हमारे रहन सहन की आदत नहीं है. सर आपके साबुन और टॉवल. वो एक्चुअली मुझे अपनी चीजें यूज करने की थोड़ी हैबिट है, तो कोनो बात नहीं बबुआ, तुमको जैसा ठीक लगे. अरे बबुआ तुम खुश रही हो तो हमको तो बहुत खुशी हुई है नंद किशोर. कोनो बात नहीं खुशी, तुम्हारे खातिर उके घर में भी तो कुछ ना कुछ बदलना पड़ा ही होगा ना. आज से मेरी जगह वहां है और तुम्हारी वहां. हाँ ये मैं क्या बात है बिटिया. यहाँ हमारे कमरे में वही किया जो हमने वहां उनके कमरे में किया. वो लॉर्ड गवर्नर हमसे बदला लेने की कोशिश करे, हमारे कमरे को उन्होंने अपना बना दिया. माना कि हमने इनका भी कमरा बदला लेकिन ऐसे करते वक्त हमने किसी भी घर वालों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, अपमान नहीं किया. और इन्होंने, हम आपको यहाँ दिखाना चाहते थे कि लोग असली दुनिया में कैसे रहते, जिंदगी कैसे होती है, और आप बाहर की जीती जागती दुनिया को अर्णव सिंह रायजादा की पसंद का बुलबुला बनाना चाहते. बुआ जी के घर को बदल के ये दिखाना चाहते कि हम सब यहाँ कैसे रहते. अम्मा और बुआ जी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई आपको?
अर्नब सिंह रायसादा, हम आपको जिंदगी की सच्चाई का पाठ पढ़ाकर ही दम लेंगे। अब हम आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगा। यहाँ कोई सोफा नहीं है और फालतू गद्दा भी नहीं है, और आप जमीन पर तो सो नहीं सकते क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर रात को आपके बाल चूहों का नाश्ता बने। What? चूहे रात भर इधर उधर घूमते रहते, बड़ा उधम मचाते। ओके, डोंट वरी, मैं अपनी गाड़ी में सो जाऊंगा। सो जाइए, पर जब अम्मा बुआ जी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे ये सोच कर रखेगा। वैसे भी आज दिन भर आप ये बार बार जता चुके हैं कि आप इस घर के दामाद हैं। बाकी तो आप समझदार हैं ही। थोड़ी शाह, काश आपको मच्छर अगरबत्ती से एलर्जी ना होती। लगता है चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ये चार्ज हो जाए ना तो ये मच्छरों की मौत का सौदागर बन जाता है। What the hell are you saying? तेरी इतनी हिम्मत ESR के नाक पे? पागल हो गई हो क्या? आपके नाक पे AC ऑन कर देता हूँ, मच्छर और गर्मी दोनों भाग जाएंगे। का तौलिया, आपका एसी, छुई मुई लाड गवर्नर। मैं लेफ्ट साइड पे सोऊंगा। What the hell? हाय रे नंद किशोर, लाइट कहाँ?